गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी बड़े हमले की कोशिश कर सकते हैं। देश के इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने 26 जनवरी के मौके पर आतंकी हमले की आशंका जताई और इसके साथ ही आईबी ने दिल्ली पुलिस को पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा का इंतजाम करने को कहा है। आईबी ने अपने अलर्ट में ये कहा है कि पाकिस्तान समर्थित खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स भारत में आतंकी हमलों को अंजाम दे सकती है। आईबी ने कहा है कि आतंकवादी भीड़ को निशाना बना सकते हैं और अपने अलर्ट में कई चीजों का जिक्र भी किया है, जिसमें पुलिस से सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था, हमलों के खिलाफ जवाबी उपाय के साथ साथ आईबी ने भारत में एक्टिव आतंकवादी संगठनों का भी जिक्र किया है। गौरतलब है कि कोरोना की तीसरी लहर और आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर होने वाले कार्यक्रमों में कई बदलाव किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से कई बदलाव किए गए हैं, कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं। चलिए हमारे साथ सहयोगी फरहा जुड़ रही है, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। फरहा, देखिए ये जो खालिस्तानी गुट जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ISI के साथ मिलकर यहाँ गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले की कोशिश कर सकते हैं, हमने ये भी बताया था कि कई जो टॉप लीडर्स हैं वो इनके निशाने पर हैं, उन्हें टारगेट किया जा सकता है, तो अब जो राजपथ पर प्रोग्राम्स होने हैं उनमें बदलाव किया गया है, काफी कुछ तैयारियां हैं इसे लेकर, खास तैयारियां। बिल्कुल आरती, जैसा आपने कहा, कल ही इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जिस तरीके से 9 पन्नों का अलर्ट जारी कर दिया, तो उसके बाद से ही दिल्ली में हर जगह चप्पे चप्पे पर जो भी भीड़ से इलाके वाले जो हैं वहां पर पूरी तरीके से आप देख सकती हैं चेकिंग हो रही है, फोर्स तैनात है और जो जीप्स है वो हर 10 मिनट में सर्कल का जायजा ले रही हैं। तो अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जैसा आप तैयारी और सबकी बात कर रही हैं तो आपको बता दूं काफ़ी लिहाजे से चेंजेस हुए हैं। कल से दिल्ली जो है वो ड्रोन दिल्ली में पाबंदी लगा दी गई है, ड्रोन पर चाहे वो पैराग्लाइडर्स हो गए, पैरामोटर्स हो गए इन और जो छोटे विमान हैं उन पर, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आतंकी हमले की आशंका है उसमें साफ तौर पर ये बताया गया है, चाहे वो हम फैब के इनपुट्स देखें या मार्च के इनपुट्स देखें, फैब के इनपुट्स में PM को काफ़ी खतरा जताया गया था और अभी जो मार्च के इनपुट्स निकले उसमें साफ तौर पर ये सामने आया है कि जो VVIP हैं, लीडर्स हैं और जो नेता हैं उनको खतरा है, और साफ तौर पर ये जो खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस है, इन लोगों ने देखिए ये भी आईबी ने साफ बताया है कि जो अभी 14 जनवरी को RDS IED जो गाजीपुर फ्लावर मार्केट में मिला, तो पूरी तरीके से आशंका है कि विस्फोटक जो है वो पाकिस्तान से यहाँ आ चुके हैं। इसको लेकर हर जगह जो दिल्ली पुलिस है वो पैनी नज़र बनाई हुई है, क्योंकि पहले ही दिल्ली पुलिस और जो जांच एजेंसियाँ हैं वो इस बात को लेकर परेशान है जिस तरीके से IED मिला। तो साफ तौर पर ये आशंका जताई जा रही है कि विस्फोटक जो है वो कार में रखकर हमले की जो है वो दे सकते हैं, तो उसको लेकर काफ़ी सुरक्षा जो है वो काफ़ी टाइट हो गई है। और उसी तरीके से गणतंत्र दिवस की जो बताया जा रहा है कि इसमें बहुत बड़ा हमला हो सकता है, तो उसको लेकर देखिए पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि जो परेड है वो 10:30 बजे से जो है वो शुरुआत होगी। हर साल 90 मिनट की जो परेड है वो 10 बजे से शुरुआत हो जाती है, उसकी इस बार 10:30 का टाइम कर दिया। उसका रीज़न यह है कि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर में जितने भी जवान हैं उनके लिए उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और साफ तौर पर आपको बता दूं कि जैसे ड्रोन से जम्मू एयरपोर्ट में हमला किया गया था तो उसी की आशंका यहाँ भी जताई गई है, तो उसी को लेकर दिल्ली जो है हाई अलर्ट में है। और साफ तौर पर दिल्ली को हरियाणा और UP में अभी मीटिंग भी करनी होगी, क्योंकि देखिए IB ने अपने अलर्ट में साफ कहा था कि हर बॉर्डर्स पर जो सुरक्षा है वो बिल्कुल टाइट होनी चाहिए, तो उसको लेकर एक मीटिंग भी होगी। तो साफ तौर पर अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्लान की जाएंगी और कल से ही देखने को मिल रहा है। कल हमने देखा कि दिल्ली के कमिश्नर का फौरन दिल्ली पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है, पूरी राजधानी हाई अलर्ट पर है, और इसके साथ ही साथ 26 जनवरी को जो राजपथ पर कार्यक्रम होंगे उसमें भी फेरबदल किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आगे भी लेंगे। तो देखिए आईबी ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया है और आतंकी हमले के खतरे के मद्देनजर ये अलर्ट जारी किया गया है। 9 पन्नों का ये अलर्ट है जिसके बाद पूरी राजधानी हाई अलर्ट पर है। इसके साथ ही साथ आपको बताया कि इस बार गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाले कार्यक्रम में भी फेरबदल किया गया है, चूंकि न सिर्फ आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए बल्कि कोरोना को देखते हुए भी ये फेरबदल किए गए हैं।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।